नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अपने प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो जाए। हरियाणा और कश्मीर हाथ से निकल रहा है। चुनाव आयोग जो है वो हरियाणा कश्मीर के संग महाराष्ट्र का चुनाव नहीं करा पाया। कह रहे हैं वहां त्योहार हैं, बारिश है, हम दो राज्यों के संग तीसरे राज्य का चुनाव नहीं करा सकते। बताइए आप, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, कश्मीर के चुनाव तो एक साथ हो सकते थे, लेकिन जब चुनाव आयोग महाराष्ट्र का चुनाव नहीं करा पा रहा तो वो ज्ञान दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। शगुफा है, केवल शगुफा इसलिए है कि चंद्रबाबू नायडू तो अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री बने हैं, वो क्यों चुनाव होने देंगे? उत्तर प्रदेश में चुनाव, योगी आदित्यनाथ को पता है कि सत्ता आएगी नहीं, जो हॉल है उत्तर प्रदेश में। पिछड़े दलित सब नाराज हैं। अभय दुबे जी के संग रोज शो करता हूँ, देश के जाने वाले पत्रकार हैं। बड़ी मजेदार बात की उन्होंने, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के अंदर जब देवत्व भाव आया था, तो वो कहने लगे थे कि मैं भैया बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ, तो भाव यही था कि वो ईश्वर के रूप है। अभय जी ने कहा उस समय तो संघ बोला नहीं, संघ को लगा कि ऐसा ना हो ये खेल करके 350 सीटें आ जाए फिर हमें मारेंगे। लेकिन जैसे ही 240 पे आए, अपनी असली स्थिति पे आए, संघ ने कहना शुरू कर दिया कि आदमी को भगवान बनने का सपना नहीं देखना चाहिए, आदमी को सब कुछ बनने का सपना नहीं। मतलब संघ जिस तरह से आजकल भिगो भिगो के मार रहा है मोदी जी को, उससे दर्द होना स्वाभाविक है। खेल क्या है इस चुनाव का, मोदी की रणनीति क्या है, भारतीय जनता पार्टी की साजिशें क्या है, और हरियाणा और महाराष्ट्र में आखिर ऐसा क्या हो रहा है? हरियाणा में तो एक तरफा चुनाव दिख ही रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की हालत बीजेपी की इतनी पतली क्यों है? तमाम मुद्दों पर मैंने अभय दुबे जी से बातचीत की है, शानदार बातचीत है, और आप सबके लिए बहुत बहुत आभार। हमारा दूसरा चैनल है 4PM यूपी, हम लोगों ने बनाया था जब हम 2022 में चुनाव चल रहे थे देश के, उत्तर प्रदेश के, और बड़े बड़े नेशनल चैनल के जब डिबेट हुआ करती थी उसको 5,000-6,000 लोग देखते थे। एक दिन मैंने डिबेट खत्म करी, उस समय 6 लाख लोग व्यू थे उसके ऊपर। तो सरकार बहुत पजल्ड हुई और हमारा चैनल बंद किया गया। आप सब गवाए उसके, आप सबने साथ दिया। मैंने तुरंत 4PM यूपी बनाया, लेकिन 3 दिन के अंदर बड़ा हल्ला हुआ देश में। हमारे जाने माने वकील हैं, बड़े भाई ऐसे हैं, मोहम्मद हैदर, उन्होंने बहुत बढ़िया नोटिस भेजा यूट्यूब को, वो चैनल 3 दिन में खुला था। अब दूसरे चैनल का हम क्या करते, तो हमने 4PM यूपी बना लिया। यूपी की अगर खबरें देखना हो तो आप 4PM यूपी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों के प्यार के चलते आज 4PM यूपी के भी 6 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। अलग अलग राज्यों में चैनल हैं, आप सबके प्यार से 4PM लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 9-10 महीनों में, एक महीना छोड़ दीजिए, लगातार 4PM नंबर 1 पर है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका प्यार हमारे साथ है। लोग कितनी भी साजिशें करें, लेकिन आपका प्यार मजबूती के साथ हमारे साथ बना रहता है। तो आपने 4PM यूपी को भी 6 लाख सब्सक्राइबर किया, सब्सक्राइब किया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क पे स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक जमाना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आता था ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, उनका चेहरा जीत की गारंटी होता था। जहाँ पोस्टर पर लगा दिया नरेंद्र मोदी का चेहरा और चुनाव जीत गए। मोदी जी भी कहते थे एक अकेला सब पर भारी, मतलब इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि जहाँ मेरा चेहरा आ गया वहां तो चुनाव जीत गए। लेकिन अब लगातार एक के बाद एक झटके लग गए हैं, मोदी जी के चेहरे पे अब चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये लोग सब तय मान गए हैं। तो जिस समय वो चेहरा ढल गया, जिस समय उस चेहरे की ब्रांडिंग खत्म हो गई, उस समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया और सरकार इस प्रस्ताव पे आगे बढ़ रही है कि एक देश एक चुनाव हो। कोविड कमेटी ने किया, शायद शीतकालीन सत्र में ये आ जाएगा। तो क्या ये जो एक एक प्लानिंग है मोदी जी की, ये कहना कि अभी भी मेरे चेहरे पे चुनाव जीता जा सकता है, क्या इस देश में एक चुनाव संभव है? विपक्ष ने इसकी मजाक उड़ाई है, क्या संभव ही नहीं है देश में एक चुनाव हो जाए? विपक्ष तरह तरह के अपने तर्क दे रहा है। आपको क्या लगता है कि जब चुनाव सिर पर है, महाराष्ट्र के चुनाव टाले जा रहे हैं, उस समय में वन नेशन वन इलेक्शन का ये फॉर्मूला लागू क्यों किया गया? उत्तर प्रदेश में पता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, यूपी में चुनाव हो गया आज की तारीख में, तो सरकार चली ही जाएगी क्योंकि इतना विरोध है। तो फिर ये शगुफा छोड़ने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, दो बातें मैं इस पर कहूंगा। एक बात तो यह है कि मोदी जी ने जब वो 400 पार का नारा दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने जो 100 डेज का अपना प्लान बताया था, तो वो घुमा फिराकर अभी 15 अगस्त की 15 अगस्त में बोल रहे थे। तो देखिए, भाषण के आखिर में उन्होंने वही सब पुरानी बातें कुछ दर्ज करने के लिए इतिहास में, हमने लाल किले से उसको बोला, वो बोली थी उन्होंने बातें पूरी।
असल में वो ये छवि पेश करना चाहते हैं कि हम अपने एजेंडे से हटे नहीं है। ये ठीक है कि हमारा बहुमत चला गया है, जिसको वो अपने कभी मुंह से स्वीकार नहीं करते है। बार बार कहते हैं कि हमारी सबसे ज्यादा सीटें हैं, 240 सीटें हैं, सारे एनडीए गठबंधन की मिला के उससे भी ज्यादा हमारी सीटें हैं, इस प्रकार की बातें वो करते हैं। इसलिए पुरानी सारी बातों को, पुराने एजेंडे को बार बार दोहराते रहना और उनके प्रति अपना संकल्प जताते रहना, ये उनकी एक रणनीति है मोदी जी की। जिसकी रणनीति का पहला एहसास भी तब हुआ था जब वो लाल किले की 15 अगस्त को लाल किले से अपना भाषण खत्म करने के लिए जा रहे थे। पहले तो मुझे लगा ये सब बातें बोलेंगे नहीं, फिर आखिर में उन्होंने जल्दी से 5 मिनट के अंदर ये सारी बातें बोल दी। अच्छा, अब उनको अपना ये संकल्प दिखाना भी है लोगों को, तो उस वक्तव्य देने में क्या जाता है कि भाई हम सरकार इसका मसौदा तैयार कर रही है, सरकार ये कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी इस तरह की चर्चा होगी, और ये कहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम उस भाषण में ये भी कहा था कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश हो रही है। तो अब यहाँ तो हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार जो टिप्पणियां कर रहा है उससे सब उसका उल्टा हो रहा है। दिल्ली को उन्होंने अपने तथाकथित भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की प्रयोगशाला बना रखा था, वो प्रयोगशाला पूरी तरह ढह चुकी है, और फरवरी में दिल्ली का चुनाव का नतीजा आएगा तब तो उस प्रयोगशाला पूरी तरह धूल दूसरित हो चुकेगी, उसकी पूरी साख खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी को फरवरी के चुनाव में ठोकने के लिए जा रही है। 2020 में जो चुनाव नतीजे आए थे कमोबेश 19-20 के फर्क के साथ में, वैसे ही नतीजे फरवरी में आने वाले हैं, क्योंकि भाजपा के पास ना कोई नेता है और ना ही कोई रणनीति है। अब मैं आता हूं इसके ऊपर, क्या एक देश एक चुनाव भारत में संभव है? विपक्ष की मैं इस बात से कमोबेश सहमत हूं कि यह संभव ही नहीं है। अगर यह संभव होता तो यह खत्म ही नहीं होता। हिंदुस्तान आजाद हुआ था वन नेशन वन इलेक्शन था, और यह वन नेशन वन इलेक्शन 60 के दशक तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद जब राज्यों क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, राज्यों में कांग्रेस का वन नेशन वन इलेक्शन केवल तभी चल सकता है जबकि सारे देश में एक बड़ी डोमिनेंट पार्टी हो। यानी एक डोमिनेंट पार्टी का हिंदी में हम क्या कहेंगे, एक दल महाप्रबल। कांग्रेस आजादी के बाद में एक दल महाप्रबल थी, भारतीय जनता पार्टी एक दल महाप्रबल बनने से बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी एक इलाके की डोमिनेंट पार्टी है, प्रभुत्वशाली पार्टी है एक इलाके की, जो उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत है, इस इलाके की डोमिनेंट पार्टी है। दक्षिण में उसका कोई नामो निशान नहीं है, उत्तर पूर्व में है लेकिन काफी कमजोर है, और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी उसका प्रभुत्व या तो है नहीं या अभी पिछले दिनों बुरी तरह घटा है। तो अब वो जो 2014 में और 2019 में एक इलाके की डोमिनेंट पार्टी थी, वो वैसी डोमिनेंट पार्टी भी अब नहीं रह गई वहां पर, क्योंकि अब हालत यह है कि मैं अपने पुराने साथियों से जो पत्रकार भी हैं और एक्टिविस्ट भी रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, जनता का काम करते हैं, जनता के बीच में घूमते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट चलाते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ वो लोग बड़ी अच्छी नब्ज पर उनकी उम्मीदें होती हैं, पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में भले ही गांव गांव में संगठन ना हो, उनके पास कार्यकर्ता भले ही ना हो, लेकिन राहुल गांधी का नाम सबकी जुबान पर है। और राहुल गांधी अगर समाजवादी पार्टी, इसका सब जगह संगठन है, उसके साथ अगर गठजोड़ बनाए रहे तो फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जीतना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है आज की स्थिति। तो ऐसी स्थिति में आप एक भारतीय जनता पार्टी को एक वन नेशन वन इलेक्शन करने से कोई लाभ नहीं होगा। पहली बार ये वो जमाना चला गया जब सोचते थे सब लोग कि वन नेशन वन इलेक्शन करने से मोदी सारे देश में चुनाव जीत जाएंगे, ये नहीं, ये तो अब बिल्कुल होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर ये संभव होता तो ये 60 के दशक में ये टूटता नहीं, ये कोई संविधान में तो लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा ही हो रहा था, सब लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते थे। अब क्या है कि राज्यों के चुनावों में बड़ी विविधता है, मुद्दों में विविधता है, पार्टियों में विविधता है, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो चुका है बड़े पैमाने पर, और क्षेत्रीय शक्तियां उठती गिरती रहती है, कभी क्षेत्रीय शक्ति हावी रहती है वही चुनाव जीतती है, कभी कभी वो चुनाव हार भी जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भले ही मोदी जी ने ये छवि बना रखी हो कि हमारे चेहरे सब लोग जीत जाते हैं, लेकिन आप गिनिए 2014 के बाद कितनी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई, कई जगह तो बहुत बुरी तरीके से पराजय हुई है, केवल मार्जिनल पराजय नहीं, बहुत बुरी तरीके से भाजपा जीतती भी रही है और भाजपा राज्यों में हारती भी रही है। राज्यों में भाजपा के जीत की कोई गारंटी नहीं रही और वो कई बार उसकी हार होती हुई दिखती है, बड़ी बदनामी के साथ हार होती हुई दिखती है, भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ हार होती हुई दिखती है। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की।
तो अब भारतीय जनता पार्टी भी कैसे एक एक नेशन, मोदी जी सब इस बात को जानते हैं। अगर वास्तव में वो एक देश एक राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध होते तो अभी चुनाव आयोग केवल दो राज्यों में चुनाव की घोषणा नहीं करता, वो तो ये कोशिश करता कि कम से कम 6 राज्यों को एक साथ क्लब कर देता। और देखिए, हेमंत सोरेन से आप इस्तीफा नहीं मांग सकते थे, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप ये आपकी सरकार जो है महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफा आप मांग सकते थे, आप हरियाणा सरकार से इस्तीफा मांग सकते थे, आप बिहार सरकार से इस्तीफा मांग सकते थे, आप सब इन सब से इस्तीफा मांग के सबके चुनाव अभी कराने या सबके चुनाव फरवरी में करा देते या अभी करा देते, अक्टूबर नवंबर में सबके चुनाव करा देते आप, ये तो आप करा ही सकते थे, लेकिन ऐसा आपने कुछ नहीं किया। आप कम से कम महाराष्ट्र झारखंड और महाराष्ट्र झारखंड कश्मीर और हरियाणा इन 4 राज्यों को चुनाव एक साथ करा ही सकते थे, भले ही आप दिल्ली के और बिहार के चुनाव ना करा पाते, बिहार के चुनाव काफी दूर है, लेकिन 4 राज्यों को तो आप एक साथ कर ही सकते थे, वो भी आपने नहीं किया। असल में इतना एक इंच का अगर राजनीतिक स्वार्थ होगा उसको भी हल करने के लिए वो चुनाव आयोग का बेजा इस्तेमाल करेंगे। ये जानते हैं हरियाणा में चुनाव जीतने वाले नहीं है, जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने वाले नहीं है, महाराष्ट्र में चुनाव जीतने वाले नहीं है, झारखंड में चुनाव जीतने की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता कुछ प्रदर्शन अच्छा हो, ऐसी हालत में 4 राज्यों में एक साथ हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। 4 राज्यों में एक साथ हारेंगे बड़ी बदनामी होगी, हथौड़े की तरह लगेगा, झापड़ लगेगा गाल पे बहुत जबरदस्त, तो वो सोचते हैं किश्तों में हारें तो अच्छा रहेगा, किश्तों में हारें तो प्रभाव जो है वो थोड़ा बिखर जाएगा, एक साथ उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल बेकार की बात है और ये सिर्फ इनका ये दावेदारी है कि हमने जो कहा था वो हम कर रहे हैं। अच्छा ठीक, बीच चुनाव में जब कश्मीर में चुनाव की पहले चरण की वोटिंग भी हो गई, हरियाणा में चुनाव है, उसके बीच में इस शगुफे का छोड़ने का मतलब क्या है? ये बात कुछ दिन बाद भी हो सकती थी, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हो सकती थी, बीच चुनाव में इस लाइन को कहने का मतलब क्या, क्या खेल करना चाहते हैं? कोई खेल नहीं, देखिए खेल करना इनके हाथ में भी नहीं रह गया है। एक तो यह है कि हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के संदर्भ में मास्टर स्ट्रोक, खेल करना, बड़ा जबरदस्त राजनीतिक दर्द, ये सब इस भाषा का इस्तेमाल हम लोग 10 साल से करते करते अभ्यस्त हो गए हैं। कोई खेल वेल करना इनके हाथ में है नहीं, खेल वो लोग करते हैं जिनमें खेल करने की क्षमता होती है। इनमें क्या खेल करने की क्षमता है भाई? जो आदमी कह रहा है कि मेरी खिल्ली उड़ाई जा रही है, हम तो चुप हैं और हम तो योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं, आप इसको सोचो कि उसके पास वो कैसा इसका मन होगा, कैसा दिमाग होगा उसके पास, जो कह रहा है मेरी खिल्ली उड़ाई जा रही है और मैं चुप हूं, संसद में कहता है कि मेरा प्रधानमंत्री का गला दबाया गया, ये बोले ना, बोल चुके हैं वो। भाई आपने बहुमत खो दिया, फिर भी आप सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, 240 सीटें कम नहीं होती हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका पानी उतर गया हो, ऐसा क्यों लगता है आपको? आज अगर कांग्रेस 240 सीटें जीतकर गठजोड़ सरकार का नेतृत्व करे तो कांग्रेस तो इस तरह नेतृत्व करेगी, उसने चुनाव जीत लिया, बल्ले बल्ले हमारी, 2009 में तो 240 सीटें कांग्रेस को नहीं मिली थी। मैं कहना ये चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की जो शेखी खोरी वाली दावेदारियां हैं उनको हटा दीजिए आप, 400 पार जैसी दावेदारियां हटा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का की जो वास्तविक ताकत है इस देश में वो दरअसल 200 से सवा 200 250 सीटों के बीच की ही ताकत है, इससे ज्यादा की ताकत नहीं है। अगर पुलवामा वाला घटना नहीं होती, 2019 में ही ये गठजोड़ सरकार में आ जाते, 2019 में ही नरेंद्र मोदी गठजोड़ सरकार का नेतृत्व कर रहे होते, ऐसी ही हालत थी, काफी संतोष था, 3 राज्यों में चुनाव भी हार गए थे लोग, विधानसभा का जम गई, इस बार तो विधानसभा का चुनाव जीतने के बावजूद इनकी ये हालत हो गई, इससे आप अंदाजा लगाओ उस वक्त क्या हालत होती, उस वक्त 240 सीटें भी नहीं आती 2019 में, इनकी 2019 में 200 से नीचे चले जाते, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में चुनाव हार गए थे, इनकी सरकारें नहीं रही थी यहां पर। लेकिन चूंकि राष्ट्रवाद की हवा बह गई, हमने घर में घुसकर मारा और वो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, इस सब ड्रामेबाजी के कारण ये कुछ अतिरिक्त वोट प्राप्त उन्होंने कर लिया,
तो ये 240 सीट जो है ये भारतीय जनता पार्टी का पीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की का शीर्ष का सबसे अच्छा प्रदर्शन है, व्यवहारिक सही प्रदर्शन है, इसके बाद तो ये प्रदर्शन और घटना ही घटना है। देखो ठीक है अभय जी, जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि पिछले 100 दिनों से मेरी मजाक उड़ाई जा रही है, मुझ पर ताने मारे जा रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री का सिंपैथी कार्ड था या वास्तव में प्रधानमंत्री को समझ आया कि ये जो तीसरा कार्यकाल मिला है उनको ये बहुत निराशाजनक है? कश्मीर में लगातार इतने सैनिकों का बलिदान हो गया तो कभी हुआ नहीं था, 100 दिनों के अंदर बताइए 20-25 सैनिक, बहादुर सैनिक हमारे शहीद हो गए आतंकियों के हाथों में, कश्मीर की स्थिति खराब हो गई, कई कई मुद्दों पे बकफोर्ड वाले पे, ब्रॉडकास्ट बिल वाले पे सरकार को अपने कदम पीछे लेने पड़े, तो ये क्या माना जाए कि ये जो प्रधानमंत्री की बेबसी है जो कह रहे हैं कि मेरी मजाक उड़ाई गई, तो क्या वास्तव में ये एक सिंपैथी कार्ड था कि चुनाव में ऐसा बोलूंगा मुझे वोट मिल जाएंगे, या ये वाकई में प्रधानमंत्री को लग रहा है कि अब लोग उनकी खिल्ली उड़ाने लगे? किसी जमाने में सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द लिख दीजिए लाइन लग जाती थी आपका विरोध करने की, लेकिन मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा मीम जो कभी राहुल गांधी पे बनते थे अब वो मीम प्रधानमंत्री पर बनते हैं, और सोशल मीडिया जवाब नहीं दे पा रहा, अमित मालवीय जवाब नहीं दे पा रहे, कांग्रेस की सोशल मीडिया सुप्रिया सिंह तो एंड पार्टी बहुत कस के जवाब दे रही है उनका, तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री थोड़े परेशान हो गए हैं इसलिए बेचारगी में ये बात कह रहे हैं या कोई और रणनीति? देखिए जनता बेचारे को पसंद नहीं करती, जनता नरेंद्र मोदी के पक्ष में जब खड़ी होती थी, नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग झूम जाते थे, तब वो नरेंद्र मोदी छाती ठोक के कहते थे कि मेरा 56 इंच का सीना है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं ये काम मोदी है तो मुमकिन है, मैं ये करके दिखाऊंगा। बात गलत थी, झूठी थी, जमीन पर नहीं उतरती थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके लिए जनता के, देश की वोटरों के एक बड़े हिस्से ने नरेंद्र मोदी की इन बातों पर एक समय तक विश्वास किया। अगर नरेंद्र मोदी की बातों पर जनता विश्वास कर रही होती तो नरेंद्र मोदी की ये बात भी मान ली होती कि विपक्ष हमारे खिलाफ गलत प्रचार कर रहा है, हम संविधान बदलने वाले नहीं है, हम आरक्षण को हटाने वाले नहीं है। लेकिन आप देखिए जनता ने नरेंद्र मोदी की बातों पर विश्वास क्यों नहीं किया, जनता ने राहुल गांधी की बात पर विश्वास क्यों किया, जनता ने अखिलेश यादव की बात पर विश्वास क्यों किया? ये एक बहुत, मोदी को अपने गिरेबान में मुंह डाल के ये पूछना चाहिए, जो जनता उनकी बात मानती थी उस जनता ने 2024 में इनकी बात सही को सही क्यों नहीं माना? अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की पार्टी में, नरेंद्र मोदी की पार्टी EWS कोटे जैसी चालाकियां तो कर सकती है, लेकिन यह घोषणा नहीं कर सकती संविधान सुन करके कि आरक्षण खत्म हो गया, ये अभी हैसियत नरेंद्र मोदी की पार्टी की नहीं है। लेकिन जब विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ये आरक्षण खत्म करने वाले हैं, तो आखिरकार लोगों ने क्यों ये बात सही मान ली? आज भी उत्तर प्रदेश, आप तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी महारत रखते हैं, एक चप्पे चप्पे की आपको जानकारी है, हर घटना का आप विश्लेषण करते हैं, उत्तर प्रदेश का दलित और पिछड़ा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो भारतीय जनता पार्टी को उसने फिर से एक बार ब्राह्मण बनिया पार्टी मान लिया, और दलित कांग्रेस के जरिए और पिछड़ा समाजवादी पार्टी के जरिए इंडिया गठबंधन के साथ है, और ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बुरी खबर है। इस खबर को अच्छी खबर में बदलने के लिए इन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं इस बात को बहुत ही साफ तौर पर ठोस रूप से कह रहा हूं। आज राहुल गांधी पॉपुलैरिटी रेटिंग में उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए हैं, और इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में जो भी प्रपंच रचा पिछले 1.5 साल में, एक बार भी अरविंद केजरीवाल को लोकप्रियता की रेटिंग में पहले पांच नेताओं से हार नहीं निकाल पाए। दिल्ली में कोई आम आदमी पार्टी के खिलाफ लहर नहीं चल रही है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई लहर नहीं चल रही। अगर भाजपा वाले ये मानते हैं तो ये मुगालते में है, तो अभी इनको पता चलेगा कि दो फरवरी के महीने में इनका क्या हश्र होने वाला है, और ये उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे तब आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में लोगों का क्या हश्र होने वाला है। हाँ सही बात है, हरियाणा में जो कांग्रेस ने फिर टर्म कार्ड चल दिया, हरियाणा में तो ऐतिहासिक पराजय होने जा रही है, फिर सिलेंडर की वार वहां पे शुरू हो गई है कि सिलेंडर दो जाएंगे, देखिए उसमें स्तब्ध रह जाएंगे ये। हाँ बोलिए। उसमें आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र में फिर ये कहा कि महिलाओं को 2000 रुपए मिलेंगे, सिलेंडर हम सस्ता करेंगे, सिलेंडर दर पे देंगे। आपको याद होगा राजस्थान में भी सिलेंडर की बार चढ़ गई थी, कांग्रेस ने कहा 450 को देंगे, बीजेपी ने कहा हम 400 को देंगे, सरकार बनने के बाद हम ढूंढते रहे कि इलेक्शन सिलेंडर कहाँ चला गया। उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने कहा कि सरकार बनने दीजिए, हर होली पर सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, कई होली बीत गई सिलेंडर दिखता नहीं है।
तो ये जो घोषणाएं हैं चुनाव की, लेकिन आज कांग्रेस ने जो 7 चुनावी घोषणाएं जारी करी हैं, हरियाणा में उसका बड़ा भयंकर स्वागत किया गया। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, पिछली बार प्रधानमंत्री ने ये कहकर कि भाई कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये है कि सब कुछ छीन के मुसलमानों को दे देंगे, सब कुछ आपका मुसलमान ले जाएंगे, उस घोषणा पत्र कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने मुझसे कहा कि हम भी मान रहे थे हमारे घोषणा पत्र को 50,000 से ज्यादा लोग नहीं पढ़ेंगे, किसी पार्टी के घोषणा पत्र नहीं पढ़ते, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको इतना प्रचारित किया, बोले हमें उम्मीद नहीं थी कि लाखों में घोषणा पत्र डाउनलोड करके पढ़े लोगों ने, कि देखें इसमें है कहाँ मुसलमान, तो मुसलमान तो कहीं था नहीं, मुसलमानों को दे देंगे। तो प्रधानमंत्री के प्रचारित करने से कांग्रेस का घोषणा पत्र और ज्यादा चर्चा में आ गया। इसीलिए जो ये प्लानिंग हो रही है कांग्रेस की रणनीति के तौर पर, क्या लग रहा है कि इस बार कुछ थोड़ा ज्यादा अकलमंदी से कांग्रेस चुनाव लड़ने लगी है? और हरियाणा में ये अपोजिशन कह रहा था कि ये सेल्फ गोल कर देंगे, कांग्रेस पे फूट पड़ जाएगी, कम से कम हरियाणा में तो ऐसी कांग्रेस में भी कोई बात दिखाई दे नहीं रही है। संजय जी, आपकी आपके सवाल के जवाब में दो बातें। पहली बात तो ये है कि ये इन्होंने जो कांग्रेस के प्रचारक का रोल प्ले किया था घोषणा पत्र के संदर्भ में लोकसभा चुनाव के दौरान, आजकल यही भूमिका ये राहुल गांधी को लोकप्रिय करने में निभा रहे। राहुल गांधी अब अमेरिका गए, अगर राहुल गांधी अमेरिका घूम आते, अगर भाजपा वालों ने आज दिल्ली में इतनी उछल कूद ना मचाई होती मीडिया के ऊपर, तो राहुल गांधी के वक्तव्यों को लोग ध्यान से नहीं सुनते। इन्होंने राहुल गांधी के वक्तव्यों का जो संज्ञान लिया और उसके ऊपर आरोप लगाए कि इसकी सदस्यता, संसद सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए, ये सबसे बड़ा आतंकी है, ये बोले ना अवनीत बिट्टू, बोले कि नहीं सबसे बड़ा आतंकी है, और गिरिराज सिंह ने कहा ना इनकी सांसद ही खत्म कर दी जानी चाहिए, किसी ने कहा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, किसी ने कहा इन पर गद्दारी का मुकदमा रखना चाहिए, ये सारी बातें राहुल गांधी की। मेरा तो मानना यह है कि इन बातों के प्रभाव के कारण लोगों ने उत्सुकता से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के कार्यक्रमों के जो क्लिप हैं वो लाखों करोड़ों की संख्या में देखे और राहुल गांधी को और ज्यादा लोकप्रिय किया। तो ये लोग राहुल गांधी के मुफ्त के प्रचारक हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र का मुफ्त में प्रचार किया था। और ये बात भाजपा की समझ में नहीं आ रही है। अगर ये बात समझ की, हम लोगों ने तो ये बात उस वक्त भी कही थी, आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग कार्यक्रम करते थे, तो अगर उस वक्त समझ में आ जाती बात तो ये राहुल गांधी का भी मुफ्त का प्रचार नहीं करते। देखिए जब नेता जब चढ़ान पर होता है, यानी जब उसका ग्राफ ऊपर चढ़ा होता है, तब आप उस पर अटैक करोगे तो आप उसका भला करोगे, अपना नुकसान करोगे। इस तरह मोदी जब चढ़ान पे थे, जब उन पर अटैक किया था तो मोदी को फायदा होता था, हमला करने वाले का नुकसान होता था, वही स्थिति में राहुल गांधी इस वक्त। जितना राहुल गांधी पे हमला किया जाएगा उतना राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, वो जनता के बीच में वो बंदा लोकप्रिय होगा। ये भारतीय जनता पार्टी को अभी तक समझ में नहीं आया है, ये समझ को नहीं पा रहे। इतनी लंबी चौड़ी टीम है, प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द इतने काबिल लोग रहते हैं, बीजेपी के आईटी सेल है। इसको इमेज ट्रैप कहते हैं संजय जी, इसको इमेज ट्रैप कहते हैं कि लोग अपनी ही बनाई हुई इमेज में फंस जाते हैं। मोदी जी अपनी बनाई हुई जो इमेज होती है, छवि होती है, वो एक बुलबुला होता है, आदमी उस बुलबुले में रहना शुरू कर देता है, वो मानता ही नहीं है कि ये बुलबुला फूट गया है, वो यही मानता है कि वैसा ही हो रहा है। और आसपास के तमाम चाटुकार भी उसे ठीक से सोचने नहीं देते उसको। आज भी किसी की भाजपा में हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी को कोई राय दे दे। नरेंद्र मोदी बताएंगे कैसे क्या करना है, नरेंद्र मोदी को कौन बता सकता है कैसे क्या करना है? आप देखिए नरेंद्र मोदी के प्रति उनके मुख्यमंत्री और उनके गृह मंत्री अमित शाह वफादारी कैसे व्यक्त करते हैं। आज आपने अखबारों में तस्वीर देखी होगी सवेरे, विष्णु साय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक उसी शैली में नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं जिस शैली में अमित शाह उनके प्रति सार्वजनिक रूप से अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं। उनको कुर्सी पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री बगल में खड़े हुए हैं और उनका वो हाथ उठाकर हाथ यहाँ चूम रहे हैं। ये पुरानी जो राजशाही की वाली निष्ठा व्यक्त, ऐसी तरह अमित शाह करते हैं। अमित शाह यूं करके हाथ माथे से लगाते हैं या चूमते हैं, इस तरह करते हैं। तो ये जो मोदी बहुत पसंद करते हैं इस तरीके से अपनी वफादारी व्यक्त करने का जो पुराना अंदाज है उसको बहुत पसंद करते हैं मोदी। तो जब इस तरह का चाटुकारता का माहौल हो चारों तरफ, जहां हर मुख्यमंत्री समझता हो कि मुझ पर विशेष कृपा की गई, आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, हमें मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है, ये कहकर तो मुख्यमंत्री कोई भाजपा में बन नहीं सकता। सही बात, हमारा राइट है ये, तो मतलब ही नहीं है। अच्छा ये जो प्रधानमंत्री हाथ चूमने से खुश हो जाते हैं,
ये क्या वो वाली फीलिंग आती है कि मैं बायोलॉजिकल हुई नहीं, मैं तो एक दूध हूँ, तो ये वो हाथ चूमने वाली फीलिंग, ये हाथ चूमने वाला, ये तो जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे अमित शाह, उस वक्त भी उनके हाथ चूमते थे। ये बायोलॉजिकल वाला फंडा तो अभी 3-4 साल से उन्होंने शुरू किया था, सोचना शुरू किया था। हुआ ये कि जब 2017 में आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो पहली बार एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बनाया गया जो कि एक धार्मिक प्रमुख था, एक मठ का धार्मिक प्रमुख था, उसके पास धर्म सत्ता थी, उसे राजनीतिक सत्ता की तलाश थी, वो राजनीतिक सत्ता उसको संघ और मोदी ने मिलकर थमाई। तो फिर जब मोदी ने देखा कि भाई इस व्यक्ति की जब धर्म सत्ता और राजनीतिक सत्ता का मेल हुआ, तो ये व्यक्ति और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास राजनीतिक सत्ता है, धर्म की सत्ता नहीं है। केवल योगी के पास धर्म सत्ता थी, राजनीतिक सत्ता चाहिए थी जो मोदी जी ने उनको दी। नरेंद्र मोदी को कोई दे नहीं सकता था सत्ता, उनके पास राजनीतिक सत्ता तो सर्वोच्च थी ही। तो उन्होंने एक योजना बनाई, एक बहुत जबरदस्त किस्म का प्लान तैयार किया, जिसमें उन्होंने तय किया कि वो हर मंदिर में जाएंगे, वहां पूजा करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वहां पर उद्घाटन करेंगे मंदिरों का, और फिर गुफाओं में बैठकर गिरुआ वस्त्र पहनकर पगड़ियां तरह तरह की बांधकर सफेद और भगवा तस्वीरें खिंचाएंगे, गंगा में जाएंगे, गंगा आरती में भाग लेंगे, लगातार वो धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। और इसके लिए उन्होंने शंकराचार्यों तक के अधिकार को छीन लिया, और इस तरीके से उन्होंने कोशिश की ये दिखाने की कि मैं केवल पॉलिटिकल हेड ही नहीं हूं, मैं रिलीजियस हेड भी हूं। और जब पॉलिटिकल हेड और रिलीजियस हेड मिल जाएगा मतलब है, तो एक खलीफा जैसी हस्ती का उदय होगा, एक ऐसी हस्ती उदय होगा। भाई जो 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 धार्मिक हेड, खलीफा कौन होता है इस्लाम में, खलीफा कौन होता है, वो जो रिलीजियस हेड भी, जो उनका मजहबी मुखिया भी है और उनका राजनीतिक मुखिया भी है। खलीफा शब्द कहां से आया है अबे जी? खलीफा तुर्की में जो उस्मानी साम्राज्य था, उसको अंग्रेजी में ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, उसके शासकों उसमें खलीफा का शासन चलता था, इसलिए उस राज्य प्रणाली को खिलाफत बोलते थे। अच्छा, ओके, हाँ, खिलाफत बोलते थे, इसलिए कुछ लोग हिंदी में अक्सर खिलाफत, उसने उसकी खिलाफत की, गलत शब्द है वो, हाँ, उसने उसका विरोध किया होना चाहिए, वो उसके खिलाफ था ये बोलना चाहिए। खिलाफत एक राज्य प्रणाली का नाम है, एक स्टेट सिस्टम का नाम है, जो कि तुर्की का जो उस्मानी साम्राज्य था उसके 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 अंदर चलती थी। उसमें इस्लाम में बहुत मशहूर खलीफा हुए हैं, खलीफा उस्मान, खलीफा उमर, ये सब हुए हैं, उससे आया खलीफा शब्द। वो लोग क्या होते थे कि वो धार्मिक प्रमुख भी थे और राजनीतिक प्रमुख थे। अब भारत के मुगल सम्राटों को देखें आप, कोई भी मुगल सम्राट जो था वो धार्मिक प्रमुख नहीं था, उसके दरबार में उलेमा मौजूद रहते थे जो उन्हें धर्म संबंधित राय मशवरा देते थे, गुटबाजी भी करते थे उलेमा लोग अपनी। तो जो पॉलिटिकल, वो बादशाह पॉलिटिकल हेड था। मैं इसका आपको नमूना बताऊं, औरंगजेब, जिसको कट्टरपंथी कहा जाता है, औरंगजेब के दरबार में तुर्की के खलीफा ने अपना एलची भेजा, तो वो तुर्की के खलीफा का राजदंड लेकर, तुर्की खलीफा का दंड लेकर आया, राजदंड लेकर आया, औरंगजेब के दरबार में पेश किया। उसने कहा कि खलीफा ने आपको राजदंड भेजा है, आप इसको स्वीकार कर लें, यानी खलीफा के प्रति साफ सम्मान व्यक्त करें। औरंगजेब सिंहासन से नहीं उठा ना, उसने राजदंड छुआ, उसने कहा इनको ले जाओ मेहमान खाने में, इनकी आवभगत करो और उसके बाद विदा कर दो उनको। तुर्की खलीफा का राजदंड औरंगजेब ने स्वीकार नहीं किया, बहुत मशहूर। आप देखिए जितने भी मुगल सम्राट हुए उनमें से कोई हज करने नहीं गया कभी भी, ये भारतीय इस्लाम की विशेषता है। अकबर हज करने नहीं गया, जहांगीर हज करने नहीं गया, उससे पहले हुमायूं हज करने नहीं गया, शाहजहां हज करने नहीं गया, औरंगजेब हज करने नहीं गया, कोई हज करने नहीं गया। वो तो इस तरह की भारतीय इस्लाम अलग तरीके का है। जितनी भी यहाँ पे बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, उन 4-5 दरगाहों की अगर आप ज्यारत कर लें तो हज के बराबर मानी जाती थी। तो इंडियन इस्लाम का मक्का मदीना भारत में ही था, वहां था ही नहीं। तो अपने प्रधानमंत्री जी भी थोड़ी थोड़ी खलीफा वाली भूमिका में आ गए कि हाथ चूमने लगे, उन्होंने कोशिश की खलीफा वाली भूमिका में आ जाए। आरएसएस भी इस प्रयोग को ध्यान से देख रहा था, उस वक्त कुछ नहीं बोला, तब तो लाइन लगा थी मोहन भागवत जी ने उनको विष्णु का अवतार कहा, जब साक्षी महाराज ने उनको देवता कहा, जब नड्डा साहब ने उनको देवताओं का देवता कहा,
जब ये खुद को ही नॉन बायोलॉजिकल कहने लगे, उस वक्त संघ परिवार ने कोई टिप्पणी नहीं की, ये लोग चुप बैठे रहे, सोचते रहे कि पता नहीं इसके चक्कर में इसकी 350 सीटें ना आ जाए। हाँ। अगर वो अभी निंदा कर देंगे तो फिर ये मारेगा मैं। फिर उन्होंने सोचा तो वो उन्होंने चुप बैठे रहे। जब इनको उन्होंने बहुमत खो दिया उसके बाद अब रोज कमेंट करते हैं कि भाई आप ईश्वर मत समझिए अपने आप को, लोगों को मानने दीजिए महात्मा आपको, और आप राक्षस सब चीजों को कंट्रोल करता है, ये सब बातें कह रहे हैं ना मोहन भागवत। अब कह रहे हैं उस वक्त कहां बोलते थे, हम ही आप बोलते थे, हम और आप बोलते थे, कोई बोलता ही नहीं था इस बात पर। मैंने एबीपी चैनल उस वक्त बोला था कि अगर नरेंद्र ये इतनी सीटें मिल गई तो इनका खुद मंदिर बनेगा नरेंद्र मोदी का, और ये खुद ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने आएंगे, और दूसरी प्राण प्रतिष्ठा का अधिकार केवल डोनाल्ड ट्रंप को होगा। आपने कहा था हमारे चैनल पे भी कहा था, फोर पी कहा था, मुझे याद है। सही बात है, देखते हैं कि नतीजे बताएंगे कि खलीफा जी की खलीफा के लिए काम आई या नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय निकाला, आप व्यस्त हैं, अपने कार्यक्रम कर रहे हैं दिल्ली में शानदार। महाभारत के ऊपर कुछ कर रहे हैं ना आप? महाभारत तो कर रहे हैं, उसका शीर्षक है महाभारत और उपनिवेशिकता का प्रत्याख्यान। कहाँ पे कर रहे थे ये? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम चल रहा है, और देश के बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं। मैं इसकी तस्वीरें वगैरह भिजवाऊंगा आपके पास। हाँ, थोड़ा दर्शक कोई देखना चाहे तो आ सकता है दिल्ली का दर्शक देखने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, भेजिए। कल चलेगा ये, मतलब आज चलेगा ये कार्यक्रम? आज तो हो गया पूरा दिन, कल पूरा दिन और चलेगा। चलिए, कल शाम को 5 बजे तक चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के जो दर्शक हों वो सुनिएगा, बहुत बहुत शानदार कार्यक्रम अभय जी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी आपका, थैंक यू। तो ये अभय दुबे जी, मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद लगी आई होगी। कुछ और कहना हो आपको तो जरूर बताइएगा, आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।